अस्सलाम वालेकुम। तो रेडमी नोट 13 सीरीज़ जैसे कि आप सबको पता है कि अनवील हो चुका है और इस सीरीज़ में 3 स्मार्टफोन आने वाले हैं, रेडमी नोट 13, रेडमी नोट 13 प्रो और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और अब इस वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 13 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसका फर्स्ट लुक आपके सामने है। आप देख सकते कि इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है Xiaomi 13 सीरीज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। रियर साइड पर एक बड़ा सा स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। यहां पर जो बैक साइड है काफ़ी खूबसूरत किस्म का, यहां पर आपको पैटर्न वाला और 3D डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन के बॉटम साइड पर रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ये स्मार्टफोन बॉक्स डिज़ाइन के साथ आता है, यानी फ्लैट एजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। 7.8 mm थिक है और 187 ग्राम इस स्मार्टफोन को जो वो वेट रखा गया है और इस स्मार्टफोन के बैक साइड पर आपको ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन के ऊपर साइड पर आई आर ब्लास्ट और सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक, बॉटम साइड पर आपको सिम ट्रे, स्पीकर और टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। अभी के लिए ये स्मार्टफोन सिर्फ व्हाइट कलर में रिवील हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर एक्सपेक्टेड है और ब्लू कलर में ये स्मार्टफोन आएगा। 3 या 4 कलर तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो Xiaomi 13 सीरीज से बहुत ज़्यादा सिमिलर डिज़ाइन है और टू बी रियली फेयर मुझे इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगा है। जहाँ पर Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन का डिज़ाइन Realme GT Neo 3 से इंस्पायर्ड है, वहाँ पर इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन में दिया गया 6.67 इंच का 1.5K के रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि सेंटर 5V कैमरा के साथ आएगा और ये स्मार्टफोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा। Note 13 Pro Plus जो था वो कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जबकि ये फ्लैट के साथ आएगा, राउंड एजेस नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ देखने को मिलेगा। डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है और चिन और बेजल भी काफ़ी पतले हैं, काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो मुझे डेफिनेटली इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी पसंद है। रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है तो आपको अच्छे कलर्स मिलेंगे, अच्छी विजिबिलिटी मिलेंगी, कंट्रास्ट रेशियो या जो कुछ भी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। मीडिया कंजम्पशन के टाइम पर, गेमिंग के टाइम पर, ओवरऑल यूजेज में आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन में दिया गया स्नैपड्रैगन 7S Gen 1 का प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस है और आपको Adreno 710 का GPU देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन जो है वो 8GB रैम, 12GB रैम और इवन के 16GB रैम के साथ आएगा। साथ में 128GB, 256 और 512GB वाला वेरियंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। Android 13 के साथ आएगा और साथ में MIUI 15 का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 1 जो वो काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है और 7 सीरीज का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स पावरफुल है गेमिंग के लिए भी और आम इस्तेमाल में भी, और अच्छी बात है कि अपग्रेड है ज़रूर। फैब्रिकेशन प्रोसेस भी कम है और 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है और एक नया प्रोसेसर है, तो आपको परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो अवेलेबिलिटी ये है कि ये स्मार्टफोन 21 सितंबर को चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और प्राइस की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन करीब आपको कुछ $300 के करीब इस स्मार्टफोन के आसपास प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है। अलग अलग वेरियंट हो गए, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरियंट कितने प्राइस में लॉन्च हो जाता है। Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन की रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक मैक्रो सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर ये स्मार्टफोन आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कर देता है। स्मार्टफोन को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियर कैमरा से, जबकि फ्रंट पर फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी ये स्मार्टफोन रखता है। इस बार नोट सीरीज़ को, नोट 13 सीरीज़ को कैमरा के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इस बार उम्मीद है कि अच्छे कैमरास के साथ ये स्मार्टफोन आएगा और जूमिंग कैपेबिलिटी भी बेहतर है, इम्प्रूव कर दी गई है और ये सॉफ्टवेयर बेस है, प्रोसेसिंग जो है उसकी बेहतर की गई है। इसको जूम करोगे तो डिजिटल जूम भी काफ़ी बेहतर निकल के आता है प्रोसेसिंग के हेल्प से। Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको 5 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में 67W की फास्ट चार्ज है, टाइप सी पोर्ट है और डुअल सिम स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी दिया गया है। Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन ओवरऑल अगर देखा जाए तो Pro Plus की तरह काफ़ी ज़्यादा करीब करीब स्पेक्स लेके आता है। यहाँ पर डिज़ाइन में चेंजेस है और जो फास्ट चार्जिंग उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और परफॉर्मेंस लिटिल बिट थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया, बाकी ओवरऑल सिमिलर ही है। तो अच्छी बात है, मुझे दोनों स्मार्टफोन की डिज़ाइन पसंद है। आप जो भी इंशाल्लाह बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्पेक्स लेके आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।